अब हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिससे कल का पूर्वानुमान है, इसे आप फिक्र का न्यूज पूर्वानुमान भी कह सकते हैं। कल दिन भर आपको एक खबर देखने को मिलेगी जिसकी जिसका कीवर्ड है वक्फ। ये अरबी भाषा के शब्द वकूफा से बना है जिसका अर्थ होता है ठहरना। वैसे वक्फ का मतलब खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या लोक कल्याण के लिए दिया गया धन। वक्फ बोर्ड और उसके कानून में संशोधन होने जा रहा है, इससे जुड़ा बिल कल संसद में पेश होने वाला है। इस पर हमने एक रिमाइंडर रिपोर्ट तैयार की है ताकि आप कल पेश होने वाले बिल की खबर जब देखें तो आपको बैकग्राउंड पता हो। वैसे हमने इसी शो में 5 अगस्त को पूरा एनालिसिस किया था, आज इसका छोटा सा अंश सवाल जवाब वाले अंदाज में आपको दिखाते हैं। यह खबर देश की 9 लाख एकड़ जमीन से जुड़ी है जो वक्फ संपत्ति है। पहला सवाल, बिल में वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर क्या संशोधन होगा? सूत्र बता रहे हैं कि किसी भी संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी बनाने से पहले उसका वेरिफिकेशन यानी सत्यापन करना होगा। दूसरा सवाल, क्या वक्फ की संपत्ति को रजिस्टर करवाना होगा? इसका जवाब है हां, वक्फ अपनी संपत्ति डीएम के दफ्तर में रजिस्टर्ड करवानी होगी। तीसरा सवाल, क्या मुस्लिम देशों में वक्फ से जुड़ा कोई कानून है? इसका जवाब है सऊदी अरब, ओमान, तुर्की, मिस्र और इराक जैसे मुस्लिम देशों में वक्फ बोर्ड या वक्फ कानून नहीं है। सवाल, क्या कोई गैर मुस्लिम वक्फ बना सकता है? सोचिए, जवाब है नहीं, लेकिन अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो वो ऐसा कर सकता है। क्या निजी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया जा सकता है? जवाब है हां, जैसे तमिलनाडु के तिरुचेन्नदुरई में राजगोपाल नाम के व्यक्ति की 1.2 एकड़ जमीन वक्फ घोषित कर दी गई है जबकि उनके कागजात में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। इसके बावजूद ऐसी स्थिति में जमीन बेचने के लिए उनको वक्फ बोर्ड से एनओसी लेना अनिवार्य है। क्या किसी सार्वजनिक पार्क को वक्फ घोषित किया जा सकता है? इसका जवाब भी हां में है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद के नाम पर जो पार्क था उसे मस्जिद और मजार की जमीन बता दिया गया। क्या सरकारी इमारत को वक्फ घोषित किया जा सकता है? इसका जवाब भी हां में है। सूरत नगर निगम के मुख्यालय को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया था। अगर वक्फ बोर्ड ने आपकी संपत्ति को वक्फ बता दिया तो क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि ऐसे मामले सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में जाने का विकल्प बचता है। तो यह थी हमारी एक रिमाइंडर रिपोर्ट।